Good morning students, welcome to online classes conducted by Sanjay School and College. Today I am going to take the class of second, subject EVS, chapter number 8. The name of the chapter is Seasons. Season जानते हैं क्या है? जानते हैं ना, ये आपने first में भी पढ़ा है. तो कितने season होते हैं total? हम लोग कितने season feel करते हैं और total season कितने हैं? पता है? Yes. There are five seasons. Summer, next rainy, then autumn, then winter and spring. Season five. Then we only feel the three seasons. हम लोग सिर्फ तीन season को feel करते हैं, ज़्यादातर महसूस करते हैं. कौन कौन सा है? Summer season. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत गर्मी होती है. गर्मी की वजह से हमें पता चल जाता है this is summer. ठीक, जब बहुत ठंड होता है विंटर सीजन है ना, जब बहुत ठंडी होती है या ठंड लगता है तो हमें पता चलता है कि ये विंटर सीजन है. देन रेनी सीजन, जब बहुत तेज बारिश होती है, लगातार बहुत कई दिन तक बारिश लगा रहता है तो हम लोग को फील होता है दैट इज रेनी सीजन. बच्चे दो सीजन और ऑटम एंड स्प्रिंग, ये हम लोग इतने मतलब होता तो है लेकिन इतने अच्छे से हम उसको महसूस नहीं कर पाते. ठीक है, फिर भी देयर आर फाइव सीजन्स वी हैव स्टडीड इन द बुक. हम अभी बुक में आप जो फाइव सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, द टेक आउट योर बुक पेज नंबर 27 या फिर पेज नंबर 27 चैप्टर नंबर 8. ठीक, ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर आर नॉट अलाइक. Some months are hot, some cold, and some are rainy. We call these different time of the year seasons. ठीक है? अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं. आपको पता है जब अर्थ अपने चारों तरफ राउंड लेता है तो उस समय हमें डे एंड नाइट का पता चलता है ना? जो टाइमिंग है 24 आवर या वन डे. लेकिन जब अर्थ सूरज के चारों तरफ या सन के चारों तरफ एक राउंड लेते हैं तो उस समय क्या होता है ना, सीजन चेंज होता है. ठीक है, जब आप सूरज के चारों तरफ राउंड लेते हैं उस वजह से सीजन चेंज होता रहता है, क्योंकि वो टाइमिंग पूरा वन ईयर लगता है या 365 डेज लगता है या 12 मंथ लगता है. तो 12 मंथ में अलग अलग सीजन आते हैं. ठीक है, तो ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर आर नॉट अलाइक. तो जो पूरे साल भर के जितने भी मंथ है सब एक जैसा नहीं होता है. सम मंथ्स आर हॉट, कुछ मंथ हमें बहुत गर्मी लगता है, कुछ मंथ में हमें बहुत ठंडी लगता है और कुछ मंथ में रेनी का एहसास होता है. वी कॉल दिस डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर सीजन. ठीक है, इसी तरह हम पूरे साल भर के अलग अलग सीजन को महसूस करते हैं. तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द समर. द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून आर वेरी हॉट. वी कॉल दिस सीजन समर. हॉट विंड ब्लोज इन द आफ्टरनून इनसाइड द हाउस. पीपल टर्न ऑन द फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स. दे वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स. दे लाइक टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स. ठीक है, ज्यादातर समर सीजन जो किस मंथ में होता है? इन अप्रैल एंड मई जून. ठीक,
डाटा भी यूज करते हैं। ठीक, एंड द पीपल लाइक टू टेक टी, फ्राइड स्नैक्स। ज़्यादातर जब बारिश होती है घर में, क्योंकि बारिश की ज़्यादा कहीं हम बाहर नहीं निकल पाते हैं तो घर के अंदर रहते हैं, तो हमें गर्म गर्म चाय और उसके साथ फ्राइड स्नैक्स, तले हुए चीज़ें खाने का मन करता है या हम लोग पसंद करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑटम सीजन। ठीक है, लास्ट वन इज स्प्रिंग सीजन। बाय द एंड ऑफ द फरवरी द एयर गेट्स
देखना शुरू करते हैं। एंड चारों तरफ क्या होता है, द ब्रीज फील्स लाइट एंड फ्रेश, जो हवाएं चलती है वो फ्रेश और लाइट हवाएं चलती है, जिसकी वजह से देयर आर फ्लावर्स। मैंने यहाँ कहा था पतझड़ हो जाता है, फिर नए पत्ते निकलने लगते हैं, फिर नए पत्ते के बाद धीरे धीरे पेड़ में नए नए फूल आने लगते हैं। तो चारों तरफ नेचर जो है बहुत खुशनुमा रहता है, लोग बहुत उस नेचर में फ्रेश एयर लेने के लिए खुश होते हैं और बाहर टहलते घूमते हैं। ठीक है, ऑल द नेचर सेंस हैप्पी, पूरा सारा नेचर जो है चारों तरफ देखिए, जहाँ देख जहाँ भी देखते हैं हरे हरे पत्तियाँ फूल खिले रहते हैं रंग बिरंगे, तो नेचर बहुत अच्छा दिखाई देता है।